ऋषिकेश में आपका स्वागत है। आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत पड़ी ड्रेस लेकर आई हूँ। ये देखिए ड्रेस हार्ट शेप की है और बहुत ही खूबसूरत है, तो आइए दिखाते हैं। ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस है और ये दो नंबर ठाकुर जी के लिए है और बहुत ही प्यारी सी है। ये देखिए दिल की शेप की है, दिल की शेप ही कही है, पान के शेप ही कही है। और देखिए इस तरह से ड्रेस को बहुत इजीली और कम समय में बनाने वाली ड्रेस है ये, और न्यू बिगिनर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दोनों ब्यूटीफुल कलर से, ऑरेंज और ये ब्लू है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, और तो आज इन दोनों से हम अपनी ड्रेस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस है और ये दो नंबर ठाकुर जी के लिए है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना बेस बना लिया है, तो बेस बनाने के लिए फिर मैंने सिर्फ चोली बनाई है। चोली बनाने के बाद मैंने यहाँ पर दो का राउंड स्टार्ट कर दिया है। सिंपल है फ्रेंड्स, हर एक जो चैन होती है हमारी नीचे साइड, उसमें हर एक बार हम अपना दो का हर एक चैन में दो बार अपना डबल क्रोशिया बनाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने हर एक चैन में दो बार अपना डबल क्रोशिया बनाया फ्रेंड्स, फिर उसके बाद स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर तीन की चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। जब भी हम अपने यहाँ पर वर्क स्टार्ट करते हैं, राउंड स्टार्ट करते हैं, वहां पर हम अपनी तीन की चैन लेते हैं और उसके बाद हम अपने एक यहाँ पर डबल क्रोशिया और बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारा दो डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट में जाएंगे, तो 1 और 2 को स्किप करेंगे और 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद हम अपने 2 को स्किप करते हुए यहाँ पर एक बार फिर से अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी वाले चैन में एक बार फिर से अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें इस राउंड में क्या करना है, पहले हमने हर एक चैन में यहाँ पर दो दो बार डबल क्रोशिया बनाया था, अब हमें क्या करना है, 1 चैन लेनी है और हमें 2 नीचे स्किप करके डबल क्रोशिया, 2, 1, 2 स्किप करके और यहाँ पर 2 बार अपना डबल क्रोशिया बनाना है। ये पूरा राउंड हमें इसी तरह कंप्लीट करना है, 2 बार अपना डबल क्रोशिया, ठीक है। 1 चैन, फिर उसके बाद 1 और 2 स्किप किया और थर्ड वाले में देखिए यहाँ पर 1, 2 स्किप करके यहाँ पर 2 और 3 के बीच में हम जाएंगे फिर से अपना डबल क्रोशिया और फिर 1 की चैन, फिर से अपना यहाँ पर 1, 2 स्किप करें और फिर से अपना डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अपनी जो चैन है वो हमेशा बनानी है, 1 की चैन, सिर्फ हमें 1 की चैन बनानी है और 2 बार अपना डबल क्रोशिया। ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए सिंपल है, 1 चैन बना ली और 1, 2 स्किप डबल क्रोशिया किया और यहाँ पर 2 बार ही हमें अपना डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 की चैन, फिर से 1, 2 स्किप करा, फिर से अपना डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पर ये राउंड हमें सेकेंड राउंड है। फर्स्ट राउंड हमने यहाँ पर हर एक चैन में 2-2 बार अपना डबल क्रोशिया बनाया था। इस तरह से ये राउंड हम अपना ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। आप भी कंप्लीट कीजिए, मैं भी कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, 2 और यहाँ पर 1 की चैन। इस तरह से देखिए ये राउंड बिल्कुल सिंपल से मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल यहाँ पर। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इसको। तो हमें यहाँ पर इससे मैंने यहाँ पर फिर से 1 चैन ली है, 1 की चैन मैंने बना ली है और यहाँ पर हम यहाँ पर 1, 2, 3, 3 के ऊपर जाते हुए 3 से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें फ्रेंड्स इसी में वर्क नहीं करना है, अब हम यहाँ पर जाएंगे, 1 यहाँ पर स्लिप स्टिच और लेंगे इसके साइड में, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3 देखिए ये मेरे यहाँ पर 2-3 राउंड कम्प्लीट हो चुके हैं। पहले राउंड में 2-2 बार मैंने यहाँ डबल क्रोशिया किया था, सेकेंड राउंड में 2-2 स्किप करके और 2 डबल क्रोशिया और 1 चैन, फिर थर्ड राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया और 1 चैन करते हुए मैंने इस तरह से यहाँ पर ये भी राउंड कम्प्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मेरा 4th राउंड स्टार्ट हो चुका है फ्रॉक का, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 3 की चैन बनाई है यहाँ पर और यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया फिर से बना लिया। फिर उसके बाद कोई भी चैन नहीं लेनी है और फिर हम यहाँ पर इसके 2 के मिड में जाना है। देखिए फ्रेंड्स 2 के मिड में जाना है और यहाँ पर हम फिर से अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम्स और हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर 4 टाइम्स डबल क्रोशिया होगी क्योंकि हम 3 की चैन को भी हम जो काउंट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ गया, जो हमने 1 की चैन बनाई थी वहां पर जाएंगे, फिर से हम अपना 1 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, सॉरी 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये कुल मिलाकर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब 6 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें ये जो मैंने यहाँ पर इससे नॉट बनाया हुआ है, नॉट बनाने के बाद हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। इस डबल क्रोशिया को मैंने कंप्लीट कर दिया था, देखिए इसको यहाँ पर कंप्लीट कैसे नहीं करते हम इसको, बस यहाँ पर देखिए इस तरह 2 फंदे हमारे क्रोशिया हुक में होने चाहिए। अब हमने 1 नॉट बनाया और यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइन कर दिया।
इस तरह से यहाँ पर इसमें हमने यहाँ पर नॉट में ले लिया, ठीक है। इसको हमने करते हुए इस डबल क्रोशिया को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसे वन इस टू को स्किप करना है। अब हमने यहाँ पर छह बना दिए, छह के बाद हमें इस टू को स्किप करना है और यहाँ पर इसे भी यहाँ पर जो हमारी चैन आएगी, चैन में हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर डू से बनाना है, तो यहाँ पर इस तरह से और इन सब नीचे धागों को लिख के देते हुए इकट्ठे करते हुए यहाँ पर वन टाइम्स और ये टू टाइम्स। टू टाइम्स को फ्रेंड्स फिर कंप्लीट नहीं करना है, हमें यहाँ पर ये ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर ऑरेंज धागा फिर से लेंगे, क्योंकि हमने ऑरेंज को कट यहीं पे कट नहीं करना, साथ में रखना है, ठीक है। यहाँ ले लेंगे, फिर उसके बाद देखिए इससे कंप्लीट हो गया हमारा। फिर इसके यहाँ लूप लेंगे, फिर से हमें अब की बार यहाँ फिर दो के इसे स्किप करना है और सेकेंड थर्ड वाले में फिर से जाना है। तो वन टाइम्स और ये टू टाइम्स। और अपना फ्रेंड्स जो ये ब्लू धागा है वो हमें यहाँ पर ही इसके मिड में ही रखना है। फिर उसके बाद फिर हम इस वाले में अब की बार देखिए हमने यहाँ पर जब हमने ब्लू बनाया था तो दोनों को स्किप कर दिया था, अब की बार हम थर्ड वाले में भी यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे और इसमें भी अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ऑरेंज से फ्रेंड्स अपने सिक्स डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स को हम इनकम्प्लीट सिर्फ एक बार ही यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमने दो धागे एक बार निकालिए, अब ये ब्लू धागा लेंगे, ब्लू धागे को हम यहाँ पर दो से एक कर देंगे, तो ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए तीनों इकट्ठे, फिर हम दो स्किप करते हुए फिर हम अपने यहाँ पर इसमें वर्क करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अब हमें फिर से अपना इस वर्क को करना है और धागे को नीचे वाले को साथ में ही रखना है, ब्लू हो या ऑरेंज हो हमें धागा साथ में रखना है। वन कम्प्लीट किया, सेकेंड वाले को हमें कम्प्लीट नहीं करना है, यहाँ पर इतना ही छोड़ देना है। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पर धागा लेंगे और इस वाले से ऑरेंज वाले से कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। फिर हम यहाँ पर टू को स्किप कर देंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर फिर से अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर सिक्स डबल क्रोशिया बनाने हैं, वो भी इनकम्प्लीट, अभी मतलब फाइव कम्प्लीट और सिक्स वाला या इनकम्प्लीट। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर ये सिक्स वाले को बस दो बार तीन, दो का एक ही करना है और नहीं करना है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स को इनकम्प्लीट। इस तरह से ये देखिए ये राउंड मेरा ऐसे ही कंप्लीट करना है और ये यहाँ पर फिर से मैं अब दिखा रही हूँ आपको, दो का एक करना है यहाँ ब्लू से और फिर अब की बार हमें यहाँ पर इन दोनों को स्किप करते हुए इसमें जाना है और यहाँ पर दो का एक। इस तरह से दो डबल क्रोशिया बनाने पर सेकंड वाला डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट। जैसे हम यहाँ पर सिक्स वाला डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट करते हैं तो ये हम ऑरेंज से कंप्लीट करते हैं ऐसे करते हुए, ठीक है। और फिर हम यहाँ फिर से अपने और ये दो स्किप करते हुए सेकंड यहाँ पर फिर से अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम अपना ये राउंड जो है वो कम्प्लीट करते हैं। सिक्स डबल क्रोशिया बनाने हैं तो वो हमें कैसे, इस तरह से ये राउंड ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल इजी है, दो डबल क्रोशिए और ये सिक्स डबल क्रोशिए, इस तरह से पूरा राउंड मुझे कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ये यहाँ पर मैंने ऊपर ब्लू ये ऑरेंज कलर ले लिया है और इधर से ही हम यहाँ करते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना हमने ऑरेंज का बनाना है तो यहाँ पर वही वन टू थ्री की चैन और हम यहाँ पर इसके पास जाइए और यहाँ पर हम वन को स्किप करते हुए यहाँ इसमें जाते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे पहले, उसके बाद वन टू और ये थ्री की चैन बनाते हुए यहाँ पर हम अपना एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें दो डबल क्रोशिया हो गए और एक हम इसके मिड में बनाएंगे, यहाँ पर दो के मिड में हम फिर से अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दो बार हमें फिर से बनाना है तो यहाँ पर हमारा फोर टाइम्स डबल क्रोशिया हो जाता है। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ब्लू धागा भी साथ रखना होता है और देखिए सॉरी मैंने यहाँ पर ब्लू धागा साथ नहीं रखा, ये यहाँ पर देखिए इसे हमें ऐसे करते हुए और ब्लू धागा भी हम यहीं पर रखते हैं और फिर से हम अपना यहाँ पर इसे ऐसे ऐसे रखते हुए यहीं पर मिड में, तो हमें ताकि हमें यहाँ पर आगे जाके दिक्कत ना हो क्योंकि हमें धागा अपना साथ ही रखना है, ठीक है। ये फोर हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फोर वाले को कंप्लीट नहीं करना, जैसे हमें सिक्स को कंप्लीट नहीं करना था ऐसे फोर को कंप्लीट नहीं करना है, हमें यहाँ पर इसे अब की बार ब्लू को लेना है इस तरह से।
ठीक है। अब हमें यहाँ पर ब्लू को जैसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट में फर्स्ट टाइम में देखिए हमें दो दो बार बनाया था, अब हमें यहाँ पर फोर टाइम्स बनाना है। तो यहाँ पर ये फोर हो गया और ये दो के बराबर में ही बिल्कुल जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से अपना इस तारीखों से लेते हुए यहाँ पर अपना दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। और ये जो मिड में है दो, इनके ऊपर भी हम अपना हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए दो डबल क्रोशिया इधर बन गए, दो इसके ऊपर बन गए और दो ही हमें इसके बराबर में बनाने हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये हमारे छह डबल क्रोशिया बन जाते हैं। सिक्स वाले को हमें कंप्लीट नहीं करना है, जैसे हमें यहाँ पर सेकंड वाले को कंप्लीट, अब की बार हमारे यहाँ पर छह डबल क्रोशिया बन गए और यहाँ पर हमारे फोर डबल क्रोशिया बन गए। सिक्स को कंप्लीट नहीं करना, सिक्स को कंप्लीट नहीं करते और हमें यहाँ पर इसको ले लेना है, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पर इसके बराबर में जाना है यहाँ पर और हमें दो बार अपना फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। वन टाइम्स टू टाइम्स दो डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट में फिर से देखिए यहाँ पर हमारी छह 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 है, जैसे छह तो हमें दो दो के मिड में जाना है और दो दो के मिड में जाते हुए इस तरह से ही हम अपना ब्लू वर्क को साथ में रखेंगे, ब्लू धागे को, और यहाँ पर वन टाइम्स और ये टू जो मैंने फोर्थ वाला है उसको इनकम्प्लीट कर देना है, वो ब्लू वाले से ही हमें कंप्लीट करना है। आपके बाद देखिए ब्लू का पोर्शन ज्यादा हो जाता है इस तरह से और हम यहाँ पर फिर से इस वाले को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर ब्लू से अपना इसको सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और ये दो हम इसी के जस्ट इसके वही चैन के ऊपर, थ्री फोर और यहाँ पर जस्ट बराबर में फिर से हम अपने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशे को हम कंप्लीट नहीं करेंगे और यहाँ पर इस तरह से ऑरेंज धागे को ले लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, तो ये हमें यहाँ पर क्या देखिए छह डबल क्रोशे हैं, इनके मिड में जाते हुए हमें फोर डबल क्रोशे बनाने हैं, वन टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स और ये फोर टाइम्स को इनकम्प्लीट, ऐसे दो का एक बस एक बार ही करना है। फिर ब्लू को लेना है और ब्लू को लेते हुए इसे हम यहाँ पर ज्वाइन करना है और फिर से हम दो के बराबर में दो बार इधर डबल क्रोशिया, दो बार इधर डबल क्रोशिया और दो के इसके ऊपर, तो हमें कुल मिलाकर सिक्स डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से ये राउंड हमें अपना अपना ऐसे ही कम्प्लीट करना है। आप भी कम्प्लीट कीजिए, मैं भी कम्प्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरे यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर ब्लू के मेरे दो राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर दो मैंने सिंपल किए तो थ्री फोर फाइव, कुल मिलाकर जो मेरी टोटल राउंड है फाइव राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। ये दो नंबर ठाकुर जी के लिए है और ये यहाँ पर इस तरह से ही ड्रेस को हमें बनाना है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे जाते हुए यहाँ पर इसे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया ऑरेंज का धागा लेते हुए, ठीक है। यहाँ पर छह कंप्लीट करके हुए यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हुए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए हमारे पास दो दो का एक पेयर बचा सिर्फ चार का और हमें इसे यहाँ लाते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए हम इस अपने जो ये स्पेस है जाली है वहां पर हमें आना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ही दो का अपना यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना, तो एक हमारा यहाँ पर थ्री की चैन बना ली और एक हमने और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया, तो कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर दो डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो वर्क है ब्लू को हमें साथ में लेना है, अब हमें ब्लू से सॉरी ये हमें दो को कंप्लीट नहीं करना था, इसको हमें इनकम्प्लीट ही रहना था ऐसे ही जिसे हमें हमने पहले किया था, यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करेंगे ब्लू से। अब हमें ब्लू ले देते हुए यहाँ पर हमारे छह हैं, अब की बार हमें यहाँ पर इस धागे को ऐसे करते हुए मिड में यहाँ पर फिर से अब की बार फिर से कॉर्नर में दो बार अपना डबल क्रोशिया। ओ फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर छह डबल क्रोशिया हैं और इनके ऊपर हमें छह बार ही अपना डबल क्रोशिया बनाना है ऊपर की चैन पर। तो वो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे छह और चार दस, दस मिलाकर हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया बन जाएंगे। कोई भी चैन हमें स्किप नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हमें यहाँ पर इसके ऊपर ही वर्क करना है। देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और यहाँ पर एट, एट हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया बन चुके हैं और हमें यहाँ पर ये जो देखिए बात जो ब्लू के बराबर में है स्पेस है उसे यहाँ पर नाइन, नाइन को कंप्लीट करेंगे, टेन वाले को हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे दो ग्रैंड।
सिर्फ देखिए हुक पर हमारे पास दो फंदे हैं। अब हमें यहाँ पर ब्लू को छोड़ देना है, ऑरेंज को लेना है और यहाँ पर ऑरेंज को लेते हुए इसे ऐसे ही करना है। ठीक है, ये वर्क हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर पहले दो थे, फिर छह हुए, फिर उसके बाद 10 हो गए। इस तरह से ये मेरे इंक्रीज हो गए हैं। और देखिए अब हमें यहाँ पर चार का जो स्पेस है उसमें दो की जाली देखिए इस तरह से पड़ी हुई है। यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया करेंगे, वन कंप्लीट करेंगे, सेकंड वाला कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर हमें यहाँ पर ब्लू धागा लेना है और हमें ब्लू धागा लेते हुए इसे कम्प्लीट करना है। ठीक है, अब हमें देखिए इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद फिर से हम अपने यहाँ पर अपने 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वो भी हल्का सा यहाँ पर इनकम्प्लीट वाला। जैसे हमने दो डबल क्रोशिया बनाए हैं और देखिए इस तरह से यहाँ ब्लू से धागा लेते हुए अब यहाँ पर हर एक जो ये चैन है ऊपर उसके पास ऊपर जाते हुए यहाँ हम फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें काउंट करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, कोई भी हमें नीचे से स्किप नहीं होगा। देखिए 4 5 6 7 और ये 8, हमारा 8 डबल क्रोशिया यहाँ पर बन चुके हैं। देखिए 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर बराबर में जहां पर हमारा फिनिश होता है वर्क, वहां से लेंगे हम दो डबल क्रोशिया, यहाँ पर लेंगे 9 और 10 वाला हमें यहाँ पर बस इतना ही करके स्किप कर देना, छोड़ देना है। फिर हम ऑरेंज धागे को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसे कम्प्लीट करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, वो भी इनकम्प्लीट। ठीक है, दो ये और एक हमने यहाँ पर किया तो उसे कम्प्लीट नहीं करेंगे, इसको हम ब्लू धागे से कम्प्लीट करेंगे। इस तरह से ये है, दो ऊन है तो हमारी ये इलज जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे, फिर से हम इसके ऊपर यहाँ पर अपने 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा राउंड बढ़ता जाता है और ये इस तरह से हमारा हो जाता है। ये राउंड हमारा देखिए इस तरह से ऐसे कंप्लीट करना है पूरा भरता हुआ। ठीक है, इस तरह से आप भी कंप्लीट कीजिए और मैं भी कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी कुछ इस तरह से ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए ये कली वाली ड्रेस भी लग रही है। अगर आपको इससे आगे नहीं बनाना होता है, कभी कभी हमें मन करता है कि बस इतना इनफ है, ड्रेस बड़ी हो रही है, तो आप इतना भी आप यहाँ पर इस तरह से भी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें फ्रेंड्स इसको हमें बड़ा करना है तो मुझे यहाँ पर दिल वाली शेप देनी है। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज वर्क को यहीं पे फिनिश करते हुए यहाँ पर अपना एक स्लिप स्टिच से इधर ज्वाइन करूंगी। सिर्फ हमें यहाँ पर अब ये देखिए ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के लिए देखिए मेरा ऑरेंज धागा था, यहाँ मैंने ऑरेंज इससे करा। अब मैं यहाँ अपने जस्ट बराबर में लाऊंगी क्योंकि मुझे ये दिल कम्प्लीट करना है। इसे मैं लेते हुए यहाँ पर हमें ऑरेंज से इसे ब्लू से कम्प्लीट करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 3 के यहाँ पर चैन लेंगे और यहाँ पर जस्ट बराबर में फिर से अपना वही डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारा दो डबल क्रोशिया हो गए क्योंकि 1 को हम इसको 3 को काउंट करते हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया थे तो हमें 10 के ऊपर ही हमें सब में डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए तो यहाँ पर दो हो गए तो 2 यहाँ पर देखिए फिर से इस धागे को हम यहाँ साथ में रखेंगे, 3 4 5 6 कोई भी स्किप नहीं करना है, 7 8 9 10 11 और ये हमारा 12 हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया नीचे थे और दो हमने यहाँ पर इधर स्टार्टिंग में स्टार्ट कर लिए, बना लिए, बढ़ा लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ ब्लू का ही वर्क होगा। हमें यहाँ पर सॉरी ऑरेंज धागे को तो मुझे यहाँ पर छोड़ना था, देखिए एक मिनट में ही क्योंकि ऑरेंज धागे का इस रो में कम वर्क नहीं है तो हम इस ऑरेंज धागे को यहीं पर भी अपना छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम फिर से इसके ऊपर फ्रेंड्स हम अपने यहाँ पर फिर से अपने देखिए यहाँ पर अपने 14 डबल क्रोशिया बनेंगे क्योंकि हमारे दो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए इस तरह से हमारे यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और ये 12। अब हमें यहाँ पर देखिए 12 डबल क्रोशे बन गए। अब हमें यहाँ पर और ये जो जस्ट बराबर में है उसके पास भी हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो वो हमें देखिए अब की बार ऑरेंज धागा नहीं लेना, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये कुल मिलाकर हमारे 14 डबल क्रोशे हो गए। पहले यहाँ 2 के बाद 6 के बाद यहाँ पर 10 के बाद 14, तो यहाँ पर 4 इंक्रीज होते जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मिड में एक की चैन लेनी है, सिर्फ एक की चैन लेंगे और यहाँ फिर से हम अपना यहाँ पर ब्लू का वर्क करेंगे और अपने 14 डबल क्रोशे से इसे फिर से कम्प्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर बस सिर्फ एक की चैन ली है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट से ही करते हुए स्टार्ट करते हुए यहाँ पर 14 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस रो में फ्रेंड्स हमें ब्लू से ही वर्क करना है यहाँ पर, और कोई वर्क नहीं करना है, और यहाँ पर मिड में एक एक की हमें चैन ले देनी है। ठीक है, यहाँ मैंने ऑरेंज धागा देखिए पीछे ही छोड़ दिया है यहाँ पर। अब इसे हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, और ये यहाँ पर ऐसे करते हुए इसे यहाँ पर हम लाएंगे जस्ट बराबर में, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अपने 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक की चैन। इस तरह से यहाँ पर अपना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे डबल क्रोशे यहाँ पर बन चुके हैं। 14 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 की चैन बनाने के बाद हमें ये राउंड ऐसे कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पर जस्ट बराबर में जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमें डबल क्रोशे लेने हैं। इस तरह से ये राउंड ऐसे ही सिंपली से आप भी कंप्लीट कीजिए, मैं भी कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट हो चुका। देखिए इस तरह से भी ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है, हम चाहें तो आपको ये यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपना यहाँ पर वर्क स्टार्ट करना है। तो वर्क देखिए अभी हमें ब्लू से ही करना है, ये राउंड भी हमें ब्लू से ही करना है, अभी हमें ऑरेंज को नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 के पास ऊपर मैंने ज्वाइन किया 1 हमने और यहाँ पर ले लिया स्लिप स्टिच से 1 टाइम्स और। ये कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे 14 डबल क्रोशे हैं। 1 देखिए हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 1 हमने 2 स्किप कर दिए, 1 2 3 3 के ऊपर हम जाएंगे, 3 के ऊपर जाते हुए यहाँ पर हमारे इस तरह से 1 2 ही स्किप करेंगे, सॉरी 1 2 स्किप करेंगे, 2 के बाद हम यहाँ जाएंगे इसमें, ये ऐसे लेंगे और यहाँ पर अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 बस छोड़े थे, उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें 2 छोड़े हैं और यहाँ पर इस तरह से अपना हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 का 1 2 का 1। ये फ्रेंड्स हमें एक ही चैन में देखिए उसी चैन में फिर से देखिए एक ही चैन में हमें यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 वाले में चैन में ऊपर से यहाँ पर इसमें हमें 8 बार अपना डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही चैन में फ्रेंड्स 8 टाइम्स हमें अपना डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 और ये 8, हमने फ्रेंड्स 8 टाइम्स अपना डबल क्रोशिया बना दिया। अब हमारे यहाँ पर देखिए अब हमारे पास जैसे कि यहाँ पर देखिए अब से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 ही हमारे इधर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 का ये 14 थे डबल क्रोशे। अब हम मिड में आएंगे और मिड में इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, सिर्फ ऐसे करते हुए ये ऐसे हमारी शेप आएगी। ठीक है, अब देखिए दोबारा देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, तो हम यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 3 स्किप में जाएंगे, यहाँ पर यहाँ जाएंगे और ये लूप लेते हुए यहाँ पर एक लूप लेंगे और यहाँ पर जाएंगे इसमें इधर साइड से और यहाँ पर 8 बार अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। देखिए हमने 3 स्किप किए, मिड में रखा हमने और यहाँ पर 8 टाइम्स हमने डबल क्रोशिया किया। डबल क्रोशिया करने के बाद 1 देखिए 1 2 2 को बाद स्किप करें, यहाँ पर हम अपना स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे 1, फिर हम यहाँ पर 1 फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे फिर से 1 बार और 1 हमें अब की बार हमें यहाँ पर इस तरह से आते हुए यहाँ पर हमें इधर से न लेते हुए इसे हम एक लूप लेंगे और यहाँ से नीचे वाले से हमें यहाँ पर इसे ये जो तुम्हारे 2 डबल क्रोशे है ना फ्रेंड्स यहाँ पर लूप लेते हुए इसका हम 2 का हम ऐसे करते हुए फ्रंट डबल क्रोशे बना देंगे।
इसे इस तरह से करते हैं। देखिए दोबारा मैं बता देती हूँ इस तरह से। देखिए ये हमारी कुछ इस तरह शेप हो गई और ये हमारा दो का डबल क्रोशिया है। इसमें हम ऐसे ही रहने देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हो गया और यहाँ पर हमने एक यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। मिड में भी हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर इस अपने इस वर्क में आएंगे। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर दो डिजाइन बन जाते हैं। फिर से हम यहाँ पर इसे वन को स्लिप स्टिच लेंगे वन से, और फिर हम फिर से टू से फिर स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर टू स्किप करते हुए यहाँ पर अपना एट टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को जो हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, ब्लू का ही वर्क है, कोई और वर्क नहीं है कोई किसी कलर का। और देखिए इस तरह से तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एट टाइम्स हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए थ्री स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर 7, 7 का डिवाइड करना है, तो वहां पर हम अपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से फिर से एक लूप ले लेंगे और यहाँ पर थ्री स्किप करते हुए फिर से हम जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए यहाँ पर मिड में जो आपका यहाँ पर मिड है ये यहाँ पर इस तरह से मिड में जाते हुए यहाँ पर फिर से हम अपने यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ज्यादा डबल क्रोशिया हो रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं यहाँ पर मुझे 7 रखने हैं इस तरह से यहाँ पर 7 के मिड में क्योंकि हमारे नीचे 14 है इस तरह से आएंगे। अब इस चीज को आप ध्यान रखिए बिल्कुल मिड में होना चाहिए। फिर यहाँ लूप लेंगे और 1, 2, 3 का बाद ही यहाँ पे इस तरह से करते हुए यहाँ पर अपना डबल क्रोशिया 8 टाइम्स। Three, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हमें 8 ही टाइम्स इधर करने हैं और 8 टाइम्स ही हमने उधर करने हैं, ठीक है। ये हमारा 8 टाइम्स हमारा डबल क्रोशिया हो गया। देखिए इस तरह से आपके यहाँ पर 7, 7 का डिवाइड कर लीजिए तो 2 आपने इधर स्किप कर दिए, 2 क्योंकि 2 हमने चैन ले ली सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 की फिर से चैन ली और यहाँ पर 2 फिर से, तो हमारे इस तरह से, और 3 हमने यहाँ पर मिड में जोड़े, तो हमारे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया इस तरह से हमारे डिवाइड जाते हैं 2, 2 और 3, ठीक है। इस तरह से ही हमने इधर कराया 3, 2, 2। उसके बाद देखिए 3 के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से आए थे हम यहाँ पर 2 के बाद हमें इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर 2 बार हम यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच करते मिड में आएंगे। मिड में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, ये हमारे कुछ इस तरह से आएंगे बनकर, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक सिंपल हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद 2 की यहाँ पर ये 2 स्लिप स्टिच के 1 टाइम्स ऊपर ही ऊपर चैन पर 2 टाइम्स 2 स्लिप स्टिच हो गए। फिर से हमने यहाँ पर देखिए 1, 2 को स्किप करते हुए 3 वाले में यहाँ पर इसके ऊपर ही यहाँ पर डबल क्वेश्चन आया 8 टाइम्स। मैं फ्रेंड्स थर्ड बार बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वीडियो लंबी हो जाती है पर फिर भी आपको क्लियरली समझ आ जाए, इसलिए मैं आपको इतना बार बता रही हूँ क्योंकि ये हमारा जो ऊपर का राउंड है ये मेन है और इसी से आपके ड्रेस का लुक आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 8 हमें काउंट करते हुए ही अपने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर देखिए 2 हमने पहले स्किप किए फिर 2 फिर से स्किप किए, अब हम यहाँ पर 1, 2, 3 फिर स्किप करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे बिना लूप लिए हुए, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हमारा यहाँ पर शेप बन जाती है। फिर फ्रेंड्स हमें यहीं पे से डबल क्रोशिया लेना है, यहाँ से 1, 2, 3 स्किप करते हुए यहाँ से फिर से अपने डबल क्रोशिया 8 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये जो ब्लू है हमारा ब्लू का ये लास्ट राउंड है और फिर मैं यहाँ पर
देखिए फिर वन और टू आ गए क्योंकि मिड में देखिए यहाँ पर वन टू से हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर इसे हमें ऐसे करते हुए हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से फिर से हमें करते हुए मिड में हमें यहाँ पर एक सिंगल चैन सिर्फ यहाँ सिंगल क्रोशे बनाते हैं। इस तरह से ये हमें यहाँ पर देखिए मिड तीन बन चुके हैं। इस तरह से मैं अपने और बनाकर कंप्लीट करती हूँ। ये ब्लू का ही वर्क है, एक ही कलर चलेगा अब यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर मेरा ऑरेंज का वर्क रह गया, लास्ट राउंड रह गया, तो वो मैं अभी इसको आपको पहले से कम्प्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी यहाँ ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन चुकी है। अभी देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा वर्क और करना है ताकि ये जो डिजाइन है और आपका उभर कर आए। ये देखिए आपको बहुत इजीली पता चल रहा होगा कि यहाँ पर ये पान की शेप है और ये इस तरह से ये ड्रेस बनकर रेडी हो जाती है, बहुत ही प्यारी सी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ब्लू पे मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर ब्लू का वर्क भी देखिए फिनिश हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ब्लू का धागा कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मेरा ब्लू का वर्क फिनिश हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ऑरेंज से वर्क लेना, तो ब्लू को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम ऑरेंज लेते हैं। इसे ऐसे करते हुए यहाँ पर हम ऑरेंज लेंगे और ऑरेंज लेके हमें यहाँ पर देखिए ये हमारी दो बाउंड्रियां हैं वी, ये जो हमारी होती है ना चैन, इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे यहाँ पर ऐसे लेंगे और यहाँ पर पीछे वाले में जो हमारी चैन का पीछे वाला हिस्सा था उसमें ले आता कर इसे यहाँ पर एक सिंगल इस स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। इस तरह से बस हमें यहाँ पर और एक हमें चैन बनानी है। यहाँ पर देखिए कोई भी स्किप नहीं करनी है, हर एक चैन देखिए, ये जो हमारी चैन है फ्रेंड्स, ये चैन हमारी देखिए इस तरह से हमारी चैन नजर आ रही है। देखिए दो हिस्से होते हैं इसके, हमें बैक वाले हिस्से में जाना है और यहाँ पर इसे हमें यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है बस सिर्फ, और यहाँ पर एक चैन बनानी है। फिर हमें फिर से अभी यहाँ पर फिर से जाना है और यहाँ पर इस तरह से एक चैन बनानी है। ये हमारे एट डबल क्रोशिया है तो हमें यहाँ एट टाइम्स हो जाएगी और आपकी एक एक चैन बनाते रहेंगे यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर देखिए एक चैन और एक यहाँ पर सिंगल हाफ क्रोशिया, बिल्कुल इस तरह से एक चैन फिर एक सिंगल हाफ क्रोशिया। हमें पीछे वाले हिस्से को ही लेना है ताकि हमारे जो ये आगे बाउंड्री की है ये देखिए ले लाइन क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट करेंगे और ये देखिए इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पर ऐसे करते हुए एक चैन और एक हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक चैन एक सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर देखिए इसके मिड में आ गए हैं। मिड में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसके मिड में यहाँ पर इसे इस तरह से लेते हुए एक सिंगल ऐसे इसे हमें यहाँ पर इसे से करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए फिर से जाएंगे और फिर से हम अपना यहाँ पर एक प्लीज एक सिंगल चैन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हम सिंगल चैन और एक ही सिंगल क्रोशिया, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए बिल्कुल अपना, अब हम यहाँ पर ऑरेंज का वर्क फिनिश कर, इसका ब्लू का वर्क फिनिश हो चुका है, इसको हम कट कर देते हैं और हमें यहाँ पर ताकि आपका इलझे ना, और ये यहाँ पर देखिए इस तरह से बन जाएगा। देखिए मैं फिर से बताती हूँ, फिर से देखिए यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और हमें एक पीछे वाले में जो चैन है ना उसके पीछे वाले को लेते हुए एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक चैन एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन फिर एक सिंगल क्रोशिया पीछे वाले को, जो हमारे एट यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। अब देखिए हम फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसको जो हमारा पान की शेप है, दिल की शेप जो है उसे हमें यहाँ पर कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पर देखिए एक चैन और एक यहाँ पर, ये हमारा इस तरह से लास्ट वर्क हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर इसे ऐसे छोड़ देंगे और एक चैन लेंगे। एक चैन के बाद हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से कर लिया, देखिए दोनों की बाउंड्री हो गई कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे एक लूप लेंगे और यहाँ पर जो हमारे नीचे ऑरेंज वाले है ना, ये ब्लू वाले को नहीं छेड़ना, ऑरेंज वाले को लेते हुए हमें यहाँ पर इसको ऐसे जो फ्रंट डबल क्रोशिया होता था ना उसको हमें डबल क्रोशिया को ही फ्रंट वाले को ही दोनों को उठाना है इकट्ठे और ऐसे करते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, सॉरी डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए फिर देखिए ऐसे हमारी शेप आ जाएगी। फिर देखिए फिर हम यहाँ पर इसे यहाँ पर करते हुए फिर से एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और एक चैन और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया और एक चैन, इस तरह से देखिए ये हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ कंप्लीट किया है और यही मैं यहाँ पर भी इधर से आते हुए वर्क को कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से ये चैन बाउंड्री बन जाती है हमारी और ये हमारी देखिए पान की शेप आ जाती है। इस तरह से करते हुए एक चैन एक सिंगल क्रोशिया, ये लास्ट राउंड है वर्क का
एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है ना। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कोई भी चैन स्किप नहीं करनी है। और यहाँ पर इस तरह से करते हुए हम अपने यहाँ पर इसे पान की शेप को उभार, मतलब इससे खिल के आती है फ्रेंड्स। इसमें आप चाहे तो ग्लू तक भी छोड़ सकते हैं, पर अब हमें यहाँ पर इस तरह से करनी है। और देखिए इस तरह से ये मेरी यहाँ पर इसकी बाउंड्री हो गई है। फिर हम यहाँ पर इसके मिड में जाएंगे, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया ऐसे ही लेना है, सिर्फ ऐसे सिंगल क्रोशिया, ठीक है। और इसे हमें नीचे तक लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं, ऊपर तक नहीं, यहाँ पर ये नीचे वाले में लेना है, ताकि ये इसमें नीचे वाले में लेना है। ये जो हमारा, ये जो हमने जिसमें मिड में किया था ना, तो उसमें लेना है ये हमें। और ऐसे करते हुए इसको ऐसे आना है। फिर हमें फिर से एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया पहले यहाँ पर इजिली आ जाता है, ऐसे करते हुए एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, और ध्यान रखना है पीछे वाले हिस्से को ही उठाना है, एक चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन। इसी तरह से देखिए ये भी मेरा ऐसे करते हुए इस राउंड को देखिए इस तरह से बाउंड्री बन जाती है। और ऐसे ही मैं अपने राउंड को कंप्लीट करूंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर मैंने दोनों फ्रंट डबल क्रोशिया की तरह से लेने हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आप इजीली अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर सके। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप रोक रोक कर देखिए, आप वीडियो को लगातार ना देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें बनाते हुए समझ में आए, आप साथ साथ में बनाएं, आप वीडियो को रोक दें, फिर साथ बनाएं, फिर वीडियो को रोक दें। इस तरह से आप करते हुए बनाएंगे तो आपको इजीली आप कोई भी ड्रेस आप बना सकते हैं। नहीं तो आपको ड्रेस बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इकट्ठे समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस ड्रेस को फ्रेंड्स न्यू बिगिनर्स भी आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर लिया एक चैन लेते हुए, यहाँ पर हमने पूरा इसको वर्क को देखिए, दो को डबल क्रोशे लेते हुए इस क्रोशे ऐसे लेंगे, चैन को ऐसे लेंगे, इसको ऐसे ऑरेंज वाले हिस्से को ऐसे उठाएंगे, और यहाँ पर धागा लेते हुए इसको हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा डबल क्रोशिया ही बन जाएगा, और हमारे यहाँ पर ऐसे करते हुए ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करते हुए आप पूरा ये राउंड कंप्लीट कीजिए। और यहाँ पर इस ड्रेस की बाउंड्री भी ब्लू से मैं करके कंप्लीट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर रेडी है। देखिए बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। देखिए इस तरह से यहाँ पे पैन की शेप की यहाँ पर ड्रेस बन चुकी है। और ये ड्रेस मैंने आपको कई तरीके से बताई थी कि पहले आप कली वाली यहाँ तक बनाते थे तो फिर कली वाली ड्रेस बन जाती है, यहाँ तक बनाते हैं तो ये देखिए सिर्फ पैन की शेप की बन जाती है। इस ड्रेस को हम काफी तरीके से बना सकते हैं। और देखिए मेरे पास यहाँ पर इस तरह की लेस अवेलेबल है, और यहाँ पर मैं छोटे छोटे से यहाँ पर इस तरह से ये जो पेस्ट कर दूंगी ताकि इस ड्रेस को हम और खूबसूरती दे सकें। इस तरह से मैं अपने यहाँ पर ये सिंपल से यहाँ पर कट कर लग जाते हैं, सिंपल मैंने यहाँ पर काटे हैं दो दो की लाइन करते हुए। देखिए इसे सिंपल से काटते हुए हम इसको पेस्ट करके लगा देंगे तो ये ड्रेस और खूबसूरत बन जाएगी। तो इस तरह से इस ड्रेस को मैं कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। बहुत इजी है, मैंने आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह बताया है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज लाते साथ देखकर कमेंट जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर रेडी है। और देखिए मैंने इस पे ये स्टोन पेस्ट कर दिए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। अगर ये ड्रेस पसंद आई हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।